जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। जितने भी कैंडिडेट्स जो कि हमारा पिछला वीडियो देखें और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बार बार कमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग फिजिकल यानी कि मेडिकल वो लोग फिट हो चुके हैं फिजिकल के बाद, और वे लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं सर कट ऑफ कितना इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यानी कि यहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट जो कि कन्फ्यूज हैं कि कट ऑफ कितना इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में यानी कि आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ दिखाऊँगा कितने परसेंट बढ़े थे और जो इस बार कट ऑफ यानी कि बढ़ने की संभावना है कितना बढ़ेगा। तो मैं आपको ए टू जेड पीडीएफ के माध्यम से दिखाने वाला हूं और यहां पे हर स्टेट का दिखाऊंगा यानी कि चाहे आप अरुणाचल प्रदेश से हो, आंध्र प्रदेश से हो, या आप बंगाल से हो, या आप उड़ीसा से हो, या मणिपुर, या कोई भी आप स्टेट से हो, आपको यहाँ पे ए टू जेड जानकारी दी जाएगी क्योंकि यह वीडियो 5 से 7 मिनट की बनेगी। तो दोस्तों इसमें हम सभी स्टेट को कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। यदि आप भी एसएससी जीडी मेडिकल फिट स्टूडेंट हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके टोटल कितने मार्क्स हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाली बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे जिससे कि आपको एसएससी जीडी से संबंधित सभी अपडेट मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कांस्टेबल फॉर सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स सीएपीएफ एनआईए असम राइफल एग्जामिनेशन शॉर्ट लिस्टिंग फिजिकल स्टैंडर्ड अवार्ड पीएसटी। यानी कि यह जो मैं पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ, यह जो 2021 में यानी कि एग्जाम हुआ था उसका फिजिकल का रिजल्ट है, यानी कि फिजिकल में आप लोग का कितना मार्क्स इंक्रीज हुआ था चलिए मैं आपको बता दूं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 285,200 कैंडिडेट्स ने यानी कि क्वालिफाई किया था फिजिकल के लिए, यानी कि 10 गुना यानी कि वैकेंसी 28,000 के आसपास थी तो यहाँ पे 10 गुना स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ वहाँ पर स्टेट वाइज आपको कट ऑफ दिखाऊँगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये जो मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ आप यहाँ पे डेट भी देख रहे हैं 26/3/2022, यानी कि 26/3/2022 को आपका रिजल्ट जारी किया गया था। और आप यहाँ पे देख रहे हैं एनेक्जर वन में कट ऑफ डिटेल्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स अगेंस्ट यूटी वाइज वैकेंसी फोर्स। तो चलिए मैं सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट्स का बाद में दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको मेल कैंडिडेट्स का यानी कि मेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ दिखाता हूँ। तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है और सीधे यहाँ पर मेल कैटेगरी में आना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं सर मेल कैटेगरी का कैंडिडेट्स का आप कट ऑफ नहीं दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एनएक्जेट 2 में हम आ गए हैं। आप भी पीडीएफ ओपन करके डाउनलोड करके देख सकते हैं, यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स में आइएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे अंडमान निकोबार यहाँ पे दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार में जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे टोटल 36 कैंडिडेट्स है जिनका कट ऑफ गया था 37.02096। तो आप इस कट ऑफ को स्क्रीन शॉट कर लीजिए क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दूसरा पीडीएफ दिखाने वाला हूँ जिसमें आप अंतर मिलाइएगा, क्योंकि यह अंतर आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ है दोस्तों कितना इंक्रीज कर सकता है। और मैं आपको बताऊंगा अभी कि जो आपका कितने मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, चलिए अब मैं आंध्र प्रदेश का दिखा दूँ। ये देखिए आप आंध्र प्रदेश का कट ऑफ यानी कि ये रहा आंध्र प्रदेश का, उसके बाद बिहार का, अरुणाचल प्रदेश का। तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें। चलिए मैं सबसे पहले आपको आसाम पर फोकस करता हूँ। ये देखिए ये रही आसाम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये आसाम का रिजल्ट हुआ। और मैं आपको आसाम के बारे में सबसे पहले फोकस करूँगा। आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आसाम की है, ये जनरल कैटेगरी के लिए इतना है, ईडब्ल्यूएस या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए एससी कैटेगरी के जितने भी हैं उनका 27 नंबर है। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी के जो भी यानी कि जनरल डिस्ट्रिक्ट के जो भी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 28 नंबर है। तो चलिए अब मैं दूसरा पीडीएफ में आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैं हर स्टेट का एक एक पीडीएफ यानी कि एक एक सेपरेट स्टेट वाइज बनाऊंगा तो उसमें आप अच्छे से देख पाएंगे। तो यहाँ पे टोटल स्टेट है, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको आसाम वाला दिखा दूँ। चलिए मैं अब दूसरा पीडीएफ ओपन करता हूँ, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें। और आप यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा पीडीएफ यानी कि जो आपका फिजिकल के बाद जो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो आपका रिजल्ट जारी किया गया तो इसमें कितना नंबर इंक्रीज हुआ है, फिर इसके बाद अनुमान लगाया जाएगा कि जो आपका यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें कितना नंबर बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यह मेडिकल के लिए है। और चलिए मैं आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखा दूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इसका रिजल्ट आया था दोस्तों 25 यानी कि 25/3 को आपका फिजिकल हुआ था, उसके बाद आपका मेडिकल के लिए रिजल्ट आया था जिसमें इतने स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था। तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, चलिए मैं सबसे पहले आपको मेल कैटेगरी का यानी कि मेल कैटेगरी का आपको कट ऑफ दिखाऊंगा क्योंकि मैंने पिछले पीडीएफ में भी मेल कैटेगरी का कट ऑफ दिखाया था। और आप यहाँ पर देख रहे हैं यह 12/8 यानी कि 2022 को रिजल्ट हुआ है। तो नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और सीधे आपको मेल कैटेगरी में ले चलता हूँ। जैसे कि मैंने उसमें दिखाया था 27 पॉइंट कुछ यानी 27 पॉइंट समथिंग, तो इसमें भी वैसा ही होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एनएक्जा 2 में हम लोग आ गए हैं कट ऑफ डिटेल्स फॉर मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों अंडमान निकोबार के लिए उसमें 36 मार्क यानी कि 37 पॉइंट कुछ मार्क्स था, तो यहाँ पे देखिए 37.5 हो गए हैं यानी कि इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है क्योंकि इस बार जो दोस्तों है जो इसमें निगेटिव मार्किंग इस बार था यानी कि आपके एग्जाम में इस बार निगेटिव मार्किंग था, इसलिए यहाँ पे पॉइंट पॉइंट में आपको बहुत सारे
अंक देखने को मिलेंगे। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ आंध्र प्रदेश आसाम, तो मैंने उसमें आसाम की बात की थी, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये रही आसाम, यानी कि ये रही आसाम का लिस्ट। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आप कंपेयर कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे उसमें यानी कि 27-28 था, तो यहाँ पे देखिए 29 हो गया, यानी कि यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 29 अंक हो गए। यहाँ पे जनरल एसटी के लिए एससी का उसमें 27 था, तो यहाँ पे 31 हो गए, यानी कि कटअप से 2-3 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो जा रहे हैं। यानी कि जो आपका कटअप था, यानी कि फिजिकल के लिए जो कटअप था, उससे मेडिकल के लिए यहाँ पे हर कैटेगरी में 1-2 नंबर या 2.5 नंबर इंक्रीजमेंट देखने को आपको मिल रही है। तो दोस्तों इस प्रकार जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा दोस्तों, उसमें भी आपको एक नंबर से, जी हाँ दोस्तों, एक नंबर से लेकर 3 नंबर के बीच आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकती है। ये भी अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट से डाटा नहीं मिल पाई है। जैसे ही डाटा मिल जाएगी तो आप लोगों को मैं एक्यूरेट यहाँ पर बता दूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका टोटल कितने मार्क्स हैं, और आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद दोस्तों।